पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत निर्धारित किए गए लक्ष्यों से प्राप्त किए जाने हेतु स्वनिधि लोन मेला विशेष अभियान संचालित किए जाने के संबंध में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। बैठक में नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, डूडा के परियोजना अधिकारी विकास सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और बैंकर्स मौजूद रहे। बैठक में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत ठेलो खोमचे वाले स्वरोजगार के लिए दिए जाने वाले लोन के संबंध में चर्चा की गई, जिसमें बताया गया कि 1 मार्च से 6 मार्च तक बैंकों द्वारा लोन मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें लोग योजना का लाभ उठा सकते हैं। गौरतलब है कि रेहड़ी पटरी, ठेले या सड़क किनारे दुकान चलाने वाले भी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ ले सकेंगे। जिनके पास पहचान पत्र और विक्रय प्रमाण पत्र नहीं है, उनके लिए केंद्र सरकार ने अनुशंसा पत्र LOR व्यवस्था की शुरुआत की है। इस योजना के तहत ठेले खोमचे वाले 10,000 रुपए तक का कर्ज ले सकते हैं, जिसे 1 साल में मासिक किस्त में लौटाना होगा। योजना के तहत LOR प्राप्त करने के बाद ठेले वाले दुकानदार कर्ज के लिए आवेदन दे सकते हैं। बैठक में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने योजना की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए योजना को सुचारू रूप से संचालित करने के निर्देश दिए। और कुछ हफ्तों तक गोरखपुर वाज अमंगस्ट टॉप 10, बल्कि आई शुड से गोरखपुर वाज ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट एंड ओवरऑल इट वाज ऑन 4th प्लेस। रफली 14,000 सेंक्शन है, जबकि हमने 11,000 ही डिसबर्समेंट किया है। और सभी बैंकों के पास ढेर सारी संख्या में ऐसे एप्लीकेशन मौजूद हैं जिन्हें उन्हें सेंक्शन करना है, आइदर सेंक्शन इट और रिजेक्ट इट। बट वाइल रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन आपको बहुत जस्टिफाइड रीजन देना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी लिनियंट, यू हैव टू बी वेरी उदार, बेनिवोलेंट कि आप उसको सेंक्शन करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यही निर्देश है, आपके टॉप ऑफिशियल्स का भी यही निर्देश होगा कि हमें लोन सेंक्शन करने में उदारता दिखानी है, क्योंकि पिछले 1 साल से कोरोना की मार झेल रहे एक वेंडर को हम ये सहायता नहीं दे पाए तो ये मानवता के प्रति भी अपराध होगा। डोंट यू एग्री? 75% इसकी गारंटी गवर्नमेंट ले रही है वापसी। पैन इंडिया चारों ओर हो रहा है और आप लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा और थोड़ा सा मुझे लगता है कि बैड फील होगा कि आंध्र प्रदेश जैसा छोटा सा राज्य, तेलंगाना जैसा छोटा सा राज्य हमसे आगे चला जा रहा। उत्तर प्रदेश विद अ पॉपुलेशन ऑफ नियरली 24 करोड़, तेलंगाना कितनी पॉपुलेशन होगी मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है, लेकिन आई थिंक 1/5 और 1/6 ऑफ उत्तर प्रदेश या से 1/4 था। तो वो हमसे आगे अगर जा रहे हैं तो वहाँ भी तो हमारे जैसे लोग हैं, हमारे जैसे नगर निगम के अधिकारी हैं, DM साहब होंगे और बैंक ऑफिसर्स होंगे। क्या आर दे मोर कैपेबल देन अस? हमसे ज़्यादा समर्थ है क्या? त्रुटियों पे, छोटी छोटी आशंकाओं पर लोन की अस्वीकृति नहीं होनी चाहिए। विदाउट जब गवर्नमेंट, इवन हमारे जो टैक्स इंस्पेक्टर हैं, आई एम स्पीकिंग अबाउट नगर निगम, क्योंकि नगर निगम भी इसका स्टेक होल्डर है, सबसे आगे फ्रंट स्टेक होल्डर। एग्जैक्टली मैं ये पूछ रहा हूँ एज अ लेमैन, मैं जो कह रहा हूँ उसमें कितना गलत कितना सही आप एड ऑन कीजिए कि अगर आपने मिस्टर एक्स को सेंक्शन कर दिया तो डिस्बर्स करते समय तो यही देखेंगे ना कि जो आदमी आया वो मिस्टर एक्स ही है, इसके अलावा और कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है? तो कोई आइडेंटिटी आपने फिक्स कर रखा होगा कि ये हम देखेंगे, आधार कार्ड देख लेंगे। देखो यार, ये योजना तो प्रधानमंत्री जी का फ्लैगशिप योजना, आप भी जानते हो आत्मनिर्भर भारत का तो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, और इसी से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब तो आने वाले भी वर्षों इसी के लिए रिव्यू करने के लिए और इसका अलग अभियान चलाने के लिए तो निर्देश मिला पूरा प्रदेश में। इसके ज्यादातर देखिए हम लोग तो कितने लक्ष्य उसको तो फेस कर दिए, जो जिन्हें नगर आयुक्त साहब ने बताए होंगे, तो ठीक है लक्ष्य नहीं बढ़ाना, बट कितने एप्लीकेशन पेंडिंग है बेवजह, वो भी ज्यादा नहीं है, 10,000 रुपया में कौन सी पूंजी जा रही है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। गरीब लोग है, उसके बैकअप है, हम लोग भी ये भी आश्वस्त किए हैं पैसा हम लौटा देंगे उनसे। अब छोटी छोटी अमाउंट डिस्बर्समेंट के लिए तो पेंडिंग है बेचारे, तो भैया वो रोजी रोटी वाले हैं, रोज तो ठेला लेके नहीं जाएगा, उनको तो उसी दिन रोज रोटी नहीं बनेगी। अब उनसे गवर्नमेंट का टॉप प्रायोरिटी योजना है एंड सीधे सीधे गरीब का कल्याण वाली योजना है, एंड वी विल गारंटी यू सारे पैसा आपको वापस आ जाएगा, क्योंकि लोन में कहीं प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ज्यादातर किस पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप ही के सबसे ज्यादा एप्लीकेशन पेंडिंग है, 587 एप्लीकेशन पेंडिंग है आपका। तो डिसबर्समेंट के लिए सैंक्शन के लिए लगभग 30,000
4000 सैंक्शन के लिए फंडिंग है। इसके बाद अवशेष जो बचा है वही इसके अगेंस्ट ये सैंक्शन क्या सैंक्शन के आसपास नियर अबाउट सब सैंक्शन के बाद है डिसबर्समेंट के लिए पेंडिंग है। वो डिसबर्समेंट के लिए 5 समथिंग इज डिसबर्समेंट के लिए सर वही है जो मैंने लिखा है और सैंक्शन के लिए ये पेंडिंग है सर। इस एक इसका और इसका डिफरेंस सैंक्शन हां ये 3000 समथिंग है 3000 समथिंग है 3000 सैंक्शन के लिए पेंडिंग है। पिक तो कर लिया अपने पोर्टल से ये ब्रांच वाइज नहीं है क्या एक्चुअली सर पिक कोई नहीं करता है अब ऑटो हो गया है वहीं से पिक हो जाता है कोई ब्रांच बड़े यूज नंबर इज देयर पेंडिंग फॉर सैंक्शन तो 3000 के ऊपर आपको पेंडिंग इस पे क्या ज्यादा फॉर्मेलिटी क्या है इस पे नहीं कोई फॉर्मेलिटी नहीं है सर केवल एक रुपए का स्टैंप जो रिवेन्यू स्टैंप तो उस स्टैंप भी जो हो गया है और पहले भी जो बैंक नहीं लिया किसी ने नहीं लिया है पहले जो बेव नहीं हुआ था तब भी नहीं लिया है तो मतलब बिल्कुल नीचे गिर गया हम लोग इसमें हम लोग भी ध्यान नहीं दिए बाकी।